बीच में ज्यादा लंबा सा जो दिख रहा है ना वही है बुर्ज खलीफा, मतलब दुबई फ्रेम भी बहुत अच्छा फेमस स्पॉट है। आपका खूबसूरत सा होटल है, इसका नाम द रिंग शेप में बना हुआ है, इसका नाम है फ्यूचर ऑफ। वाओ गजब, इसके सामने जा जाके कूद रहे हैं तो ये भी कूद रहा है रे, क्या मस्त सा व्हेल मछली घूम रहा है। कितने का छोले भटूरे? 25। ये सब मछली तो मैंने कभी देखा नहीं था कहीं भी। हे गाइस, तो वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल वीकेंड डेस्टिनेशन, और आज मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पे। एक्चुअली आज मेरा ये ब्लॉग जो है वो एक नए डेस्टिनेशन के लिए है। मैं अभी अपने रूम से निकलूंगा एक नए डेस्टिनेशन के लिए, मैं घूमने जा रहा हूं अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत दिन से मैं कहीं गया नहीं हूं, ऑफिस के काम में बिजी था तो मैं चल रहा हूँ अभी। और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा है, और एक क्या बताऊँ, मैं वहाँ जाके दिखाऊँगा कि ये कैसा है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और चलते हैं। फाइनली मैं निकल चुका हूँ, वो सामने वाली बिल्डिंग जो है उसी में मैं रहता हूँ, और ये अपोजिट साइड में बस स्टॉप है। आप देख सकते हो यहाँ का रोड बहुत चौड़े चौड़े हैं, और मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी बस आएगी और मैं फिर यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाऊँगा। फाइनली मेरा बस आ गया और मैं बस में अपना सीट ले चुका हूँ। यहाँ बस में नोल कार्ड चलती है, जो रेड कलर की है ना कार्ड रीडर मशीन, उसमें आप नोल कार्ड टैप करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा। और ये जो नोल कार्ड सिस्टम है ना ये पूरे दुबई में चलता है, मतलब मेट्रो में भी वही काम करेगा और बस में भी वही। और अब हम मेट्रो स्टेशन निकल रहे हैं। करीब आधे घंटे के बाद मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ। यहाँ पे स्टेयर्स बने हैं इस साइड से, बट मैं स्टेयर से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ना मतलब स्टेयर्स में बहुत भीड़ है, तो मैं सोचा दूसरे साइड से जाके देखता हूँ, अब उस साइड का क्या सिचुएशन जाने के बाद पता चलेगा। इधर साइड भी तो उतना ही भीड़ है यार। एक्चुअली क्या है ना, ये स्टार्टिंग मेट्रो पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर ना राइट साइड से चला जाता है, यहाँ का मतलब थोड़ा सा रूल अलग है, हम लोग का लेफ्ट साइडेड रूल है, यहाँ पे राइट साइडेड रूल है, तो आपको राइट से ही चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से आना पड़ता है, तो ऐसा सिचुएशन है। तो फाइनली मैं मेट्रो स्टॉप की जगह पे जा रहा हूँ, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो आने का, क्योंकि मुझे एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन जाना है जहाँ पर फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम है, मैं वहीं अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए। और ये आप देखो नीचे, ये सेकेंड फ्लोर पर है ना, तो बहुत लंबा सा एकदम ऊँचा सा ये एक्सेलेटर दिख रहा होगा। और आ गई मेरी मेट्रो, अब मैं निकल रहा हूँ। तो हमें मेट्रो में सीट मिल गई क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं रास्ते का भी व्यू लेके जा रहा हूँ। पता है मतलब मेट्रो से आप जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा दिखा, क्योंकि बीच में ज़्यादा लंबा सा जो दिख रहा है ना वही है बुर्ज खलीफा, और ये उसके आसपास के टावर्स हैं। और ये हमारा जो दुबई का फ्रेम है, मतलब दुबई फ्रेम भी बहुत अच्छा फेमस स्पॉट है, आप यहाँ पर आ सकते हो घूमने के लिए। क्योंकि मैं मेट्रो से जा रहा था ना, तो रास्ते में मैं ये सब देखते गया, तो मैं वीडियो बनाते चला गया। स्पेशली इसको देखने के लिए मैं किसी और दिन जाऊंगा, जब अभी तो समर है ना तो मतलब नहीं जा सकते, थोड़ा सा और कुछ दिन के बाद देखता हूँ। और ये देखो ये कितना खूबसूरत सा होटल है, इसका नाम द लिंक है, द लिंक टावर करके ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही मतलब होटल एंड रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ये फाइनली हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमको घूमना है। ये रिंग कलर जो बना हुआ है ना, रिंग शेप में बना हुआ है, इसका नाम है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, और ये इसका गार्डन एरिया है, ये जस्ट सामने का है, और ये पीछे सब बड़ा सा होटल है, और ये होटल के सामने से ही एक गेट जाती है। दूसरा गेट ये हम जिधर से भी जा रहे हैं ये मेट्रो साइड से आती है, जैसे आप मेट्रो से यहाँ पर उतरोगे तो आपको डायरेक्ट रास्ता जाती है, इमिरेट्स टावर मेट्रो स्टॉप है इस स्टॉप का नाम, और यहाँ से सीधा आप निकलने के बाद ये जो है स्ट्रेट आप जाते जाओगे। और रास्ते में आप देखोगे दोनों तरफ से कुछ ना कुछ दीवार पे वाल पेपर टाइप का या पेंटिंग टाइप का बना हुआ है, वो भी अच्छा दिखता है, बट ये पता नहीं क्या बना है, हमारे इधर तो आप देखें दूसरा चीज़ है, इधर समझ में नहीं आता उतना, मुझे भी इतना सारा समझ में नहीं आता। और ये देखो ये राइट साइड में ना ये मेट्रो का लाइन है, जो पैरेलली मेट्रो आती है उसी के पैरेलली ये जाती है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ बिल्डिंग चल रही है। ये मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे हम अभी उतरे थे, इमरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन का नाम है। और अब मैं सीधा आगे निकलूँगा, देखता हूँ क्या है, और मैं अब सीधे जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या है। मेरा फ्रेंड लोग आने वाला था, सब इसी मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे, वेट कर रहा हूँ, कब तक आता है पता नहीं, देखता हूँ। मेरा दोस्त लोग अभी रास्ते में ही है, वो बोला अभी टैक्सी लिया हूँ, तब तक मैं देखते हुए जा रहा हूँ।
और ये कितना खूबसूरत सा बना के रखा है। मुझे तो लगा था छोटा सा है, बट ये बहुत लंबा सा टनल जैसे बनाया है। बाप रे, गजब है यार, गजब है। लोग यहाँ पे सेल्फी उल्फी फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे और क्या है। राइट साइड में भी एक गेट है, पता नहीं क्या है इसमें। अच्छा, ऐसे व्यू देखने के लिए बनाया। अच्छा, नीचे से स्टेयर्स है, उधर से आ सकते हैं, बट वो सब एंट्री बंद है शायद। अब आगे जाता हूँ, देखूँगा क्या ये है। एंट्री में म्यूजियम इंट्रेंस करके लिखा हुआ है। ओहो, अभी जस्ट मैंने दोस्त से बात किया, वो आएगा थोड़ी देर में, तब तक हम एक्सप्लोर कर लेते हैं अकेले ही, देखते हैं क्या है नहीं है, क्या सिस्टम है। और इधर साइड कुछ तो है, पता नहीं, देखता हूँ। इधर साइड तो एंट्री है, देखता हूँ इधर साइड जा करके कि क्या है। आगे जाने के बाद पता चलेगा, इतना सारा भीड़ है, कुछ तो होगा। अच्छा, इधर समझ में आ गया। इधर से क्या है ना कि लोग आउटसाइड जो गार्डन जैसा बना हुआ है ना, इधर नारियल के पेड़ वगैरह कुछ कुछ लगे हैं, फाउंटेन बने हैं, तो ये बाहर का फ़ोटो वोटो खिंचाने, बाहर से व्यू लेने के लिए लोग इस साइड आते हैं। और ऐसा ही व्यू शायद उस साइड भी है, पता नहीं, उस साइड में गया नहीं हूँ। पहले इधर साइड का देख लेते हैं, फिर उधर चलेंगे। यहाँ पे लोग सब फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। और देखता हूँ बैक साइड, इधर साइड भी तो सेम ही है, और पीछे साइड देख लूँ क्या है नहीं है। अच्छा, इस साइड भी शानदार सा व्यू है ना। चलो अब अंदर चलते हैं, और ये है हमारा एंट्री पॉइंट। चलो देखते हैं अंदर क्या है। ये वाओ, गजब गजब दिखता है यार अंदर में लाइटिंग। और ये लाइटिंग ना रात में बाहर साइड से भी दिखता है। ये होटल बताया था ना, होटल साइड से यही है एंट्री गेट, ये होटल साइड का। और इधर से भी आप आ सकते हो, मैंने मेट्रो से आया तो मैं इधर से आया। और दूसरा ये देखो सामने एकदम नीचे से, उधर साइड से भी आ सकते हो। और यहाँ बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, शायद यहाँ पे कुछ होगा अंदर में दिखाने का, पता नहीं। ऊपर का पहले देख लेते हैं क्या है नहीं है, फिर नीचे जाएंगे। तब तक दोस्त लोग भी आ जाएगा, इंतज़ार करेंगे। देखते हैं इस साइड क्या है, इधर भी देख लेते हैं। जब ऊपर आए हैं तो पूरा कंप्लीट देख ही लेते हैं, फिर जाएंगे नीचे। हो, इधर साइड तो कुछ खास है नहीं। लिफ्ट बनी है नीचे जाने के लिए, पता नहीं। वापस चलते हैं, और ये देखो कितना शानदार दिखता है, लिफ्ट जैसा बना है दो छोटा सा। वो एक्चुअली हम अभी पूछे थे एक से, उसने बताया ये उतरने के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं है। और इसके अंदर में ना टिकट लगता है, जो इधर से नीचे जाएंगे ना, नीचे में एक टिकट काउंटर है, वहाँ से हमको टिकट लेना पड़ेगा। वो जो लिफ्ट लगी है ना, उसके अंदर में एक गेट है उधर साइड से जाने का, उधर जाऊँगा देखने के लिए क्या है नहीं है। और ये देखो ये नीचे कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है यार यहाँ पे। और 150 दिरहम का टिकट भी लगता है, बताओ, देखने के लिए लोग आते हैं। ये देखो ऊपर बहुत शानदार है यार, अगर आप फैमिली बच्चों के साथ आते हो ना, बहुत मज़ा आएगा। एकदम लाइटिंग व्यवस्था भी बहुत इसकी अच्छी है, बाहर से मतलब रात में बाहर से भी ऐसा ही सेम जलता हुआ दिखता है लाइट, पूरी बिल्डिंग में ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और इधर सब क्या है सामने में देखा जाए क्या है। अच्छा, इधर ना एक रोबोट बना हुआ है, इसके सामने आप हाथ वगैरह ऐसे करोगे तो वो सब दिखेगा। और इधर परफ्यूम का शॉप है, इधर क्या है, इधर ये पूरा इसका व्यू देखो। ये देखो सामने परफ्यूम, इधर गेट, और ये रोबोट, इसमें हाथ हिलाओगे ना तो ये ऊपर नीचे करता है। देखो देखो, यही सब देखने के लोग तो यहाँ आते ही हैं। और इधर चलो क्या है, ये परफ्यूम का शॉप ये है ना, इधर परफ्यूम का शॉप यहाँ बहुत दिखते हैं यार। चलो इधर साइड देखते हैं क्या है नहीं है, ज़्यादा भीड़ लगी हुई है तो इधर ही चलना चाहिए। जब तक दोस्त लोग नहीं आते तब तक घूम लेते हैं, जब वो लोग आएंगे तो फिर डिसाइड करूँगा क्या करना है, अंदर जाना है कि नहीं। टिकट है 150 दिरहम का, तो देखा जाए क्या है इधर साइड। शायद वहाँ पे कुछ चल रहा है, बहुत भीड़ लगा है। वाओ, ये देखो रोबोट है जो डांस करता है, डांसिंग रोबोट। जैसे जैसे आप मूवमेंट करोगे ना बॉडी का, ये वैसे वैसे करता है। ये देखो, वो देखो, बच्चे लोग इसके सामने जा जा के कूद रहे हैं, तो ये भी कूद रहा है रिमोट। एक्चुअली ये रिमोट से कंट्रोल होता है, बट है यहाँ पे देखने के लिए यही सब सारा चीज़ें। तो ये तो बाहर का है, अंदर में तो और गजब है। रोबोट का डांस चल रहा है मस्त, घूम घूम
घूम के देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे ये सब चीज़ें यहाँ ही देखने मिलती है। देखो लोग वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं सारे। और क्या है इधर साइड, ये देखो हाय करेगा, ये भी देखो इसका भी बॉडी मूवमेंट होता है रोबोट का भी। अब कहाँ जा रहा है ये, इधर आ रहा है, जगह नहीं है, जगह दो। देखना अब निकलेगा बाहर। ये साइड साइड हो गया। मस्त लगता है देखने भाई, देखने मस्त लगता है यार। और ये टिकट मशीन है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। अभी मैं ट्राई करता हूँ टिकट लेना, क्योंकि मेरा दोस्त बोला लेट हो जाएंगे थोड़ा रास्ते में, तब तक मैं सोचता हूँ टिकट ले लूँ। 149 दिरहम, AED 149 का है। नेक्स्ट, अरे यार वी आर सोल्ड आउट, मतलब टिकट ख़त्म हो गया। ट्राई करता हूँ एक बार और। नहीं यार गलत हो गया फिर से टिकट। ओफ टिकट सोल्ड आउट हो गया यार, टिकट तो सोल्ड आउट हो गया। अब दोस्त को बताऊंगा फ़ोन करके क्या सिचुएशन है। एक तो मैं बगल में पूछा, उसने VIP बोला, VIP टिकट लोगे, VIP टिकट 300 के आते हैं, 399 धीरा मतलब 400 के आते हैं। अब उतने महंगे टिकट लेके क्या करूँगा, इसलिए सोच रहा हूँ बाहर जाता हूँ, दोस्त से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि यार टिकट तो है नहीं, फालतू में वेस्ट हो गया मेरा यहाँ आना, अब क्या करना है नहीं करना है देखता हूँ। उन लोगों के चक्कर में ही लेट हुआ क्योंकि वो लोग आया नहीं। यार इधर साइड तो नज़र नहीं आ रहा है, कोई नहीं देखते हैं इधर है कैसा। ऊपर से जो दिखाए थे ना वही वाला व्यू है ये, मतलब फ़ोटो वोटो लोग खिंचाने के लिए इस साइड आते हैं, और इधर साइड से एक्चुअली यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और बैठने उठने का भी बना हुआ है, नारियल का पेड़ जैसा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे खिंचाने के बाद। सब लोग लगे हुए हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। अब देखो ये है होटल, कितना शानदार सा टावर जैसा दिखता है ना। और ये देखो ये पूरा कंप्लीट रिंग जैसा दिखता है, और इसका गार्डन एरिया ये है। इधर बंद कर दिया है ऊपर जाने के लिए, इधर से भी रास्ता है ऊपर जाने का। इस साइड तो वो लोग नहीं है, पूरा फ़ोटो वोटो तो ले लिया, तो अब नेक्स्ट जा रहा हूँ देखता हूँ क्या है। ये आगे दूसरे साइड, और वो जो हाथ जैसा बना हुआ है ना वहाँ पे वो लोग फ़ोटो खिंचा रहा है, अभी मुझे बताया तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। और क्या है इधर देखते हुए जा रहा हूँ। ये देखो ऊपर कितना शानदार सा दिख रहा है ना, और वो हाथ के पास मेरा दोस्त लोग आ चुका है, फ़ोटो खींच रहा है। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ और उनको बैड न्यूज़ देता हूँ कि टिकट सोल्ड आउट हो गई है। फाइनली हम लोग मिल गए, सब फ़ोटो खींचने में लगे हैं। अब चलो देखते हैं क्या होगा आगे। यार अंदर आ गए अब हम लोग, देखो क्या मस्त सा व्हेल मछली घूम रहा है ऊपर में। यही सब फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। मेरा फ्रेंड लोगों ने डिसाइड किया कि 400 रुपये का टिकट लेके तो देखना नहीं है, 150 का टिकट रहता तो देखेंगे, बट अब है कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो देखूँगा। तो वहाँ पे टिकट नहीं मिला, तो फाइनली हम लोगों ने अचानक से प्लान बनाया है कि दुबई मॉल चलना है, क्योंकि दुबई मॉल में हम देखेंगे बुर्ज खलीफा और फाउंटेन शो। तो अभी हम लोग दुबई मॉल आ चुके हैं, हमारे दोस्त लोगों को भूख लग गई है, तो सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें देखने जाएंगे कहाँ क्या है नहीं है, तो उधर साइड ही बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं, और रास्ते में देखो कितना, पता है दुबई मॉल जो है वो कहा जाता है कि मतलब दुनिया के सबसे बड़े मॉल में आते हैं इसका नाम, इतना बड़ा है ये मॉल, और दुनिया की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आप जिस भी कंट्री से हो और जो भी खोजना चाहते हो उस कंट्री के वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, इतना बड़ा मॉल है। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक वाटर एक्वेरियम भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो भी नीचे है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, तो आप रास्ते में देख सकते हो कितने सारे मतलब दुकान हैं सारे, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फाइनली मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ, और मैं पूरा का पूरा दुबई मॉल का वीडियो लेते हुए जाऊँगा और देखते हुए जाऊँगा। और अभी तो पहले हमारा प्लान है खाने पीने का, तो मैं वही खोजने के लिए जा रहा हूँ ऊपर कहाँ क्या है नहीं है, फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैं दुबई मॉल आया था, बट इधर घूमने नहीं आया था, सीधा निकल गया था और वो बुर्ज खलीफा देखने के लिए, क्योंकि बुर्ज खलीफा देखने के लिए यहाँ से एक रास्ता जाती है जहाँ पर आप फाउंटेन शो वगैरह देख सकते हो।
इसी का नाम दुबई मॉल है। ये लुसी नहीं, लुसी नहीं। तेरा चप्पल जूता ये क्या है? वो डोनट्स खाओगे? अच्छा, अभी तक हम सिर्फ एंट्री कर रहे थे। ये कौन सा है? टाइम हाउस बाय वन गेट वन फ्री। क्या एप्पल का? देखो फूड कोर्ट रियल श्रीनिवास। ये आ गए दुबई मॉल। जी सॉक डिजिटल। और ये हम आ चुके हैं अब खाने वाले सेक्शन में। इधर एक से एक रेस्टोरेंट बने हैं, आपको जो भी खाना है आप खा सकते हो यहाँ पे। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के कि यहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज के आइटम्स हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैकडी या सबवे या केएफसी ऐसा कुछ हो तो वहाँ से बर्गर वर्गर लेके खा सकते हैं। इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे और क्या है नहीं है। यार हर जगह बैठे हुए हैं लोग, कहीं भी खाली जगह नहीं है, आप बैठ नहीं सकते हो। द पूरा का पूरा फुल है। चलो आगे और देखेंगे क्या है नहीं है, देखते हुए चलते हैं। यार ये तो सच में बहुत बड़ा सा है। मैं बेंगलोर का फिनिक्स मॉल वगैरह सोचता था कि बहुत बड़ा है, बट इसको देखने के बाद पता चलता है इसका फूड कोर्ट इतना बड़ा है। मतलब अमेजिंग यार। और ये सामने में सबवे दिख रहा है, तो इसका मतलब लग रहा है कि, और इधर मैकडॉनल भी है, मैकडी भी है इधर देखो, इसका मतलब यहाँ केएफसी मैकडी ये सब भी हैं, तो अब हमारा हो सकता है कुछ। बट मैं पहले और देखता हूँ। हाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कुछ प्योर वेज वाला मिलता है तो मेरा प्रेफरेशन प्योर वेज वाला रहेगा। इधर केएफसी है और इधर सब क्या है? हाँ दिखा दिखा बीकानेर वाला, ये प्योर वेज होता है, यहाँ से आप कुछ खा सकते हो। मेरे, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं यहाँ से ऑर्डर करूँगा, देखता हूँ क्या है। कितने का है छोले भटूरे? 25। ये चाट वाट है नहीं? मोमोज कितने का है? ये क्या है भैया ये वाला? चना कुलचा। ओ कुलचा। एक छोले भटूरे कर दो, तो एक छोले भटूरे कर दो बस। फाइनली मुझे मिल गया ये टोकन ऑर्डर के बाद, और ये वाइब्रेट करता है। आप मॉल में कहीं भी रहोगे, जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा वाइब्रेट करेगा, आप आके ले सकते हो। ये मेरे छोले भटूरे, मेरा दोस्त लोगों ने जगह लेके रखा है, तो फाइनली अब बैठूंगा खाऊंगा और फिर यहाँ से निकलूंगा किधर भी चलना है। तो ठीक है, हम निकल गए हैं। और ये देखो मैंने बताया था ना कि बहुत बड़ा सा एक्वेरियम है, मस्त सा एक्वेरियम है यार। बोला जाता है कम से कम 2000 से ज़्यादा जो है मछली के यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, प्रजाति टाइप के मिलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मछली मिलते हैं। और इसको देखने के लिए कितना भी, ये देखो मैंने जूम करके लिया, कितना अच्छा सा वीडियो आया ना। हम पता है इसके अंदर जाने का भी टिकट है, 200 दिरहम का टिकट है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बट मेरे दोस्त लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अब इसके अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा और हमें फाउंटेन शो देखना है बुर्ज खलीफा पे जो होता है, तो फिर ये लेट हो जाएगा अगर हम अंदर जाते हैं। तो इसलिए ये प्लान किसी और टाइम करेंगे जब हम आएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको बाहर से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये भी दूसरा साइड आ गया हूँ, इधर साइड से भी बहुत अच्छा दिखता है। पता है आप फर्स्ट फ्लोर पे हो? हाँ आप फर्स्ट फ्लोर पे आना, जब भी यहाँ पे आओगे आपको बाहर से देखना होगा तो। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आके राइट साइड पे आना, एक ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा सा है, और इधर से आप एकदम नज़दीक से देख सकते हो सारे इसको। ये देखो कितना मस्त सा चल रहा है ना, एकदम मस्त लग रहा है अंदर का, कितना मस्त नज़ारा यार।
इसके अंदर भी घूमने में बहुत अच्छा लगा। ये कौन सा मछली है पता नहीं, देखो कितना बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा मछली है। और ये सब देखो कितना शानदार है। वैसे ये सब मछली तो मैंने कभी देखा नहीं था कहीं भी, मतलब हो सकता है और भी बहुत जगह हो बट मैंने कहीं नहीं देखा, तो मैंने बना लिया वीडियो। देखते हैं अब आगे क्या है, एक्सप्लोर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और ये अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये देखने के लिए कि फाउंटेन शो का टाइम हो रहा है तो उधर जाना है हमें। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है यार, जाते जाते बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सारे जगह का वीडियो लेते हुए जा रहा हूँ, देखता हूँ। अब फाइनली मुझे अब किधर भी जाना नहीं है, अब सीधा का सीधा जाना एकदम डेड एंड, जहाँ से एग्जिट करूँगा और वाटर का शो देखूँगा। और रास्ते में ये सब दुकानें हैं, मैं वीडियो बनाते हुए चल दिया और देखते हुए जा रहा हूँ अब आगे क्या है। यार पता है बहुत बड़ा सा मॉल है यार, बहुत बड़ा सा, बहुत टाइम लगता है। अगर आप भूल गए ना एक गेट के बदले दूसरे गेट पे निकल गए तो आपको 5 किलोमीटर लंबा दूर आना पड़ेगा टैक्सी बुक करके, ऐसा सिचुएशन है। इसीलिए आप हमेशा यहाँ पे, ये क्या है यार, अच्छा एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, हाँ, आप हमेशा यहाँ पे जो गाइड रहते हैं ना उनसे पूछ के ही आगे बढ़ना, क्योंकि अगर आप दूसरे गेट पे निकल गए तो फिर आपको दूसरा गेट पे आने में घंटों लग जाएंगे। इसलिए करके ना हमेशा कहीं भी जाना हो या तो प्रॉपर गूगल मैप को फॉलो करना, मैप भी कभी कभी धोखा दे देता है, इसके अंदर स्टाफ लोग रहते हैं ना उससे पूछ लेना। लग रहा है कि मैं डेड एंड आने वाला हूँ यार, इतना दूर है यार, दिमाग ख़राब होता है, बहुत लंबा है, जितना खाया नहीं उतना पच गया मेरे रास्ते में। बट कोई नहीं, देखते हैं आगे जाके क्या है, शायद इधर ही गेट है यार, इधर साइड ही, हाँ जो 5 गाइज लिखा है ना इसके जस्ट बगल से लोग सब बाहर जा रहे हैं, इधर ही गेट है। अब बाहर निकलूँगा फटाक से, देखता हूँ, ऐसे भी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, पता नहीं शो का कैसा सिचुएशन है, बट आगे जाके देखते हैं। लाइटिंग तो दिख रही है, शो तो चालू है, यही यही है शो, इसी को देखने के लिए आए। यार बीच बीच में म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके म्यूजिक से कॉपीराइट क्लेम ना आए। देखना जरूरी है तो कंप्लीट वीडियो देखो भाई, और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जो भी हो, और कंप्लीट वीडियो देखना भाई। और ये लाइट्स तो अब ख़त्म हो गया है, भीड़ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हम लोग भी अब सोच रहे हैं यहाँ से निकलें और मॉल के अंदर एक वाटरफॉल है वो देखेंगे। नहीं नहीं कोई मतलब थोड़ी ना है, फोकस संभाल कर रखना, मैं जिस दिन दूंगा ना, नहीं नहीं आज काम कर, तू फोटो भेज दे और आज डिलीट कर दे सब, सच बोल रहा हूँ। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अभी भी वो एक्सेस होता है, नहीं नहीं रहता है, नहीं रहता है। और ये देखो सामने में वाटरफॉल हो रहा है ना, यही देखने के लिए हम लोग आए थे, उल्टा लटका हुआ आदमी जो है इसी को देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, सब लोग फोटो वोटो ले रहे हैं। अब इसको देखने के बाद कोशिश यही रहेगी घर निकलूं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। तो फाइनली मेरे दोस्त लोगों ने टैक्सी लेकर के घर निकल गया है, मेरा घर दूसरा साइड है, रॉन्ग साइड मतलब उल्टा साइड है, तो मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे और यहाँ से लूँगा बस, डायरेक्ट जाएगी मेरे रूम पे
तो आप देख सकते हो रात में दुबई कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा शानदार सा व्यू लग रहा है ना। और यहाँ सेफ्टी बहुत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में भी घूम सकते। फाइनली मैं बस स्टॉप पे आ चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ बस का, बस आएगी और मैं घर निकल जाऊँगा। और हम अपने ब्लॉग को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। जो भी नए हो मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो।